आरएसएस के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये कहना चाहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से इतनी नफरत क्यों करते हो? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान की पहली धारा पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान की पहली धारा को नरेंद्र मोदी जी बदलकर अपनी नफरत का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी घृणा का प्रदर्शन कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं जो नफरत उनके मन में बाबा साहब के प्रति, इस देश के करोड़ों दलितों और आदिवासियों के प्रति, इस देश के वंचित समाज के प्रति है। और इसलिए मैं आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी को आगाह करना चाहता हूं, ऐसी साहस और ऐसी हिम्मत मत कीजिएगा बाबा साहब के संविधान को बदलने की, भारत के संविधान को बदलने की, उनके द्वारा लिखी गई पहली धारा को बदलने की कोशिश मत कीजिए। इतना परेशान है मोदी जी, इतना घबराए हुए हैं, इतनी घबराहट उनको सता रही है दिन रात कि वो कह रहे हैं कि हम बाबा साहब का भी अपमान करेंगे और इंडिया शब्द ही संविधान से हटा देंगे। और ये बात अपने आप में कितनी खतरनाक है। आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईएम में इंडिया, इसरो में इंडिया, एम्स में इंडिया, कहां कहां से इंडिया हटाओगे? ये 100 रुपए की नोट, इसमें क्या लिखा हुआ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसमें अगर लिख दिया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ भारत तो नोट तो चलेगी नहीं। मोदी जी, क्या आप इस देश में तीसरी नोटबंदी लागू करना चाह रहे हैं?